नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा। देख पाओगे हमारा छोटा सा कैटलॉग हमने बनाया। बहुत पीपल पूछते हैं कि कैटलॉग आपका क्यों नहीं है। मेरे दोस्त, कैटलॉग कैसा हो सकता है? हमारे पास रेंज ही इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है, हम हर दिन नया इनोवेशन लेके आते हैं, नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। हमारा जो है यूनिक स्टार्टअप है। आप देख सकते हो कि यूनिक स्टार्टअप का मतलब क्या है। यूनिक ऐसे प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट किसी पब्लिक के पास नहीं मिलेगा। हम वो सारे आलतू फालतू गरीबों का प्रोडक्ट में ध्यान नहीं देते हैं। जो गरीबों का प्रोडक्ट होता है तो गरीब खरीदता है, तो आपको अमीर बनना है तो अमीरों का प्रोडक्ट से काम करना होगा। जब अमीर को आप इंस्पायर करोगे कि यूज करने के लिए, तो पूरा अमीर क्या खरीदेगा? आपसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता, उसके घर में ये सब रखने का टाइम नहीं होता। वो हमेशा चाहता है कि उसको टाइम को बचाऊं और पैसा में कैसा कन्वर्ट करूं। तो गरीब एक मिडिल क्लास को मैं बोलता हूँ कि अमीर है, क्योंकि वही ज्यादा स्पेंड करता है अमीरों से। तो एक रिच पर्सन है, उतना स्पेंड नहीं करता। तो मेरा एंटायर यदि मेरा जीवन में यदि मेरा पूरा खर्चा यदि जानोगे तो हैरान हो जाओगे। यस, मैं जूते में अपना कुछ मनी स्पेंड करता हूँ। एवरेज मेरा ये जूता है, आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा जो जूता है, देखो आप देखो, क्योंकि आप जब तक देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये जो जूता है मेरा 700 रुपये का जूता है, 700 रुपीज़ का जूता है। जो पैंट है, जो ट्राउजर मैंने पहना है 500, और जो शर्ट शायद मेरे को पता नहीं है कि कितना का है। तो मेरा एक ड्रेस का जो कॉस्ट होता है समवेयर अराउंड 1500 रुपीज़ होती है। तो मैं महीना में 30 ऐसे ड्रेस लेता हूँ, तो मेरे को 45,000 का मेरा लाइफस्टाइल में खर्चा होता है, क्योंकि मैं बालाजी का कड़ा पहनता हूँ। मेरे को बीच में गोल्ड का बहुत शौक था, गोल्ड को पूरा बेच दिया मैंने, क्योंकि गोल्ड को बेचना पड़ा। यहाँ जो हमारे एम्प्लॉइज थे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, तो एम्प्लॉय प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, तो लेकिन एम्प्लॉयमेंट मैंने दिया, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। किसी का घर को चाबी, मैं आपको घर का चाबी देके गया तो अंदर में सिलेंडर चले गया, खाना चले गया, तो मैं क्या पूछूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा गलती है, चाबी मैं ला के दिया। जैसा कि ऑफिस में बहुत पैसा आता है, क्योंकि आप स्टार्टअप करते हो, तो महीना में 2-3 लाख एक एक बंदा लेके आके 10 लाख रुपये। हमारा एवरेज स्टार्टअप 7 लाख हुआ करता था, आज तो हम 1-2 लाख रुपये का स्टार्टअप हम करवा रहे हैं, लो कॉस्ट स्टार्टअप, क्योंकि 2.5 लाख न्यू एंटरप्रेन्योर को हमें बहुत जल्दी बनाना है। जो हमारा पास 1.5 साल का बचा है, तो हमने कॉस्ट को और कट कट करके छोटे छोटे स्टार्टअप हम करवाना स्टार्ट किया। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, तो हमारा ऐसा ही एक पूना में एक स्टार्टअप है, जो यदि आप करना चाहते हो 9,999 रुपये आप दोगे तो यहाँ से हम ट्रेन कर देंगे। वही ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करेंगे पूना में। पर्सन है निखिल करके, निखिल के निशांत है उनका नाम, ज़्यादा याद नहीं रख पाता हूँ, आप समझ सकते हो। तो वहाँ से, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब स्टार्टअप है, स्टार्टअप पे एक नया सोच नहीं रहेगा तो आप सक्सेसफुल नहीं बनाओगे। तो हमारा जो एंटायर स्टार्टअप में जो मॉडल्स होते हैं, एक सक्सेसफुल मॉडल होता है। कैटलॉग हमारा छोटा होता है, लेकिन प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कैटलॉग को इसके, जैसा कि हमने मेटल की चैन बोल दिया, मेटल की चैन में हमारे पास 40 वेराइटी या 50 वेराइटी होगा। तो सिमिलरली कुशन बोलने से 360 वेराइटी होगा, टाई बोलने से टाई में कम से कम 400 वेराइटी होगा। तो ऐसा वेराइटीज को हम ढूंढते चले जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी मेरे दोस्त। सो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यदि आपको एक नया सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना सबसे आसान है। एक नीड प्रोडक्ट को हम सामने वाले को, जो कंटिन्यूस नीड है हमारा, जो स्टार्टअप में जो टी शर्ट्स की मैं बात करता हूँ, या मोबाइल कवर की बात करता हूँ, या कॉफी मग की बात करता हूँ, या कुशन की बात करता हूँ, या कोई फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की चेन, ऐसे अनेक ऐसे प्रोडक्ट है, गिफ्टिंग प्रोडक्ट है जो जिंदगी में खत्म नहीं होगी। सोलार का बात करता हूँ तो सोलार शायद मेंटेनेंस खत्म नहीं होगा। 25 साल का आप यूनिट लगाते हो, एलईडी लगाते हो, तो एलईडी हर साल में वो फ्यूज होगा, 1 साल के बाद आप वारंटी, 1-2 साल के बाद आपका फिर से रिप्लेस होगा। तो कस्टमर कमाना है तो क्वालिटी देना होगा मेरे दोस्त, क्वालिटी नहीं होगा। जैसा कि आपको मैं फिर से दिखा दूँ, यहाँ एक स्कूल बैग का लगा हुआ है, स्कूल बैग जो हमेशा है, या बैग पैक्स है, स्कूल बैग है, या लैपटॉप बैग है, ये जिंदगी की हर तरीका का जरूरत है। यदि तरीका का जरूरत चाहते हो तो मोहन चंद्र आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। ये बैग भी आप बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, ऑफलाइन बेच सकते हो, उसका पूरा हम सिस्टम समझाएंगे। ये सिस्टम का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेगा, जो टी शर्ट के ऊपर देखो, ये किंग क्वींस आर बॉर्न इन मे, तो क्वींस आर क्वींस कैन बी बॉर्न इन जनवरी फेब्रुवरी, ये 1, 2, 3, 4 जैन फेब्रुवरी होने के बाद मंडे ट्यूसडे, क्वींस कभी भी बॉर्न हो सकते हैं, क्योंकि हर औरत अपने आप को क्वीन बोलती है। यही ब्लैक टी शर्ट के ऊपर मैं गोल्ड से कर सकता हूँ, तो 500 ऐसे कलर्स के ऊपर पिंक मिक्सिंग लेदर उधर करके मैं दे सकता हूँ। तो अनेक ऐसे डिजाइन्स के ऊपर हम लोग फोकस करें, हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, ला चुके हैं। यदि आप आना चाहते हो, आप रजिस्ट्रेशन ओपन है, आके कर सकते हो।
तो इसी के साथ जय हिंद बोलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं अभी शॉर्ट वीडियो से दी मैंने बताया, कुछ शॉर्ट वीडियोस कुछ लॉन्ग वीडियोस मिक्स अप मैचेस में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये टॉपिक जो है आप लोगों को प्रमोट करने का है कि आपके पास हम आ रहे हैं तो आप हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम चेन्नई में भी ओपन है, अब दिल्ली में भी ओपन है। कल या परसों हमारा पैकेजेस लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, बैनरिंग चल रहा है, ब्रांडिंग चल रहा है, उसको डिस्प्ले चलेगा, डिस्प्ले के बाद प्रोडक्ट तो हमारा ऑलरेडी रेडी है, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपको हम दिखाएंगे, तो और आप बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। कि घर में बैठ के अपने टाइम को बर्बाद मत करो, एक्स्ट्रा टाइम को कन्वर्ट करो फेसबुक और यूट्यूब में, अपना टाइम को बर्बाद मत करो मेरे दोस्त। यूट्यूब में यदि सपना चौधरी को देखोगे, छोटू को देखोगे, तो सपना चौधरी सपना में आएगी और सपने में अपना पैसा तुम्हारा पैसा उड़ा रही है, क्योंकि वो खुद कमा रही है, आप तो सिर्फ नाच ही देख रहे हो। छोटू आ रहा है, छोटू 200 मिलियन 150 मिलियन का व्यूअर्स लेके आ रहा है, दुनिया मजाक हो रही है मेरे दोस्त, मजाक। छोटू का पकौड़ा आज जो हुआ है कि 14 मिलियन पीपल एट ए टाइम देखे हैं, तो 14 मिलियन पीपल इस देश में जो है, इतने मिलियन ऑफ पीपल जो है कॉमेडी को पसंद करते हैं, अपना जीवन भी कॉमेडी बना रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जीवन एक कॉमेडी नहीं है मेरे भाई, जीवन बहुत सुंदर है, उसको प्यार से देखो, नज़दीक से देखो, वो देखने से आपको समझ में आएगा जीवन कितना प्यारा है। यदि जीवन में आप जीवन में ऐसा चीज़ें नहीं करोगे, प्यार से जियोगे नहीं और कमाओगे नहीं, ये एज अपनी चले ही जाएगा, बाद में कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। एक यूथ को मैं ललकार रहा हूँ, एक फैमिली के हाउस वाइफ को मैं ललकार रहा हूँ कि एक लड़की जो यंग लड़की है, बचपन से आप पैसा कमा सकते हो, इंटरमीडिएट कम्प्लीट होने के बाद, इंटरमीडिएट तक आप अपना बेसिक एजुकेशन को कम्प्लीट करो, उतना टाइम तक आप पैसा के पीछे मत दो, लेकिन ग्रेजुएशन में पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो। पार्ट टाइम बिजनेस करना है तो डेफिनेटली हमारे पास हो। जय हिंद दोस्तों।